हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में हम इंग्लिश पार्ट डिस्कस करेंगे, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 16 to 20 आर चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी। मीन टू से क्वेश्चन नंबर 16 to 20 जो हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको फोर अल्टरनेटिव्स गिवन हैं ए बी सी डी। आपको क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है वो वाला ऑप्शन जो है ढूंढना है। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपको कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके से स्पेलिंग्स जो हैं वो लिखे गए हैं। यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ सी ओ डबल एम यू एन आई सी ए टी आई ओ एन, कम्युनिकेशन। 17 नंबर पे आइए, इसमें डायमेंशन के पूछे गए हैं आपको, तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ डी आई एम ई एन एस आई ओ एन। 18 नंबर में आपको एप्लोज के पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, ए डबल पी एल ए यू एस ई जो होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आ गया 19 नंबर में, देखिए आपको इमीडिएटली के स्पेलिंग्स अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, तो इमीडिएटली के यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ आई डबल एम ई डी आई ए टी ई एल वाई। नेक्स्ट है 20 नंबर जो है, दैट इज़ प्रिविलेज की स्पेलिंग है, ये अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं, बट जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ पी आर आई वी आई एल ई जी ई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन डायरेक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक। चूज़ द वर्ड आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव ए बी सी एंड डी। इसमें भी आपको चार चार अल्टरनेटिव गिवन हैं, 5 क्वेश्चंस हैं ये, और क्या करना है आपको, आपको वो चूज़ करना है इनमें से विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यानी कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिया गया है, उसका जो मीनिंग है वो इन चारों ऑप्शंस में से मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 में है ए जी आर ए आर आई ए एन, कहने का मतलब ये क्या बन गया, एग्रेरियन बन गया या अग्रेरियन बोल देते हैं, दैट इज़ ये होता है जो कनेक्ट करता है आपका कनेक्टेड विद फार्मिंग। एग्रेरियन का मतलब यो आपका फार्मिंग से रिलेटेड है, मतलब खेती बाड़ी से, कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं इसमें देख लीजिए कौन इसके साथ सुइटेबली मैच करेगा। ए है परटेनिंग टू सी, अगला है परटेनिंग टू पुअर, परटेनिंग टू गॉड, एंड ऑप्शन बी इज़ परटेनिंग टू लैंड। तो जो परटेनिंग टू लैंड है वही इसके साथ सुइटेबली मैच करेगा, बिकॉज फार्मिंग जो है वो लैंड के साथ रिलेट करती है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ इरेडिकेट। इरेडिकेट जो मीनिंग होता है, जो शब्द है, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय। सिंपली हम बोलना चाहें अगर तो डिस्ट्रॉय कर देना, टू डिस्ट्रॉय और टू गेट रिड ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या किसी चीज़ को बिल्कुल उससे बाहर निकल आना, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, दैट इज़ इरेडिकेट। तो आपके पास दिए गए ऑप्शंस में से देखिए आपके पास ऑप्शन सी का मतलब यहाँ पे सेम वही है, सी ऑप्शन है आपका रिमूव। रिमूव का मतलब भी वही होता है जो इरेडिकेट का यहाँ पे बन रहा है, तो यही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर है, दैट इज़ ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस ओकेजन, हम कोई भी अच्छा काम, कोई भी हमारे घर में या कहीं भी हमें कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई मान लीजिए फेस्टिवल है, कोई शुभ कार्य हम कर रहे हैं, है ना, तो हम ऑस्पिशियस ओकेजन करके उसमें बोलते हैं। ऑस्पिशियस का मतलब ही होता है हमारे पास मांगलिक कार्य, है ना, या सौभाग्यशाली कार्य, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही यहाँ पे मैच हो रहा है, दैट इज़ ऑप्शन ए फेवरेबल। यहाँ पे
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ गया आपका 24, दैट इज़ बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक का मतलब होता है हाई साउंडिंग, जिसकी साउंड बहुत ज़्यादा हो, हाई साउंडिंग बट लिटिल मीनिंग, पर मीनिंग कम हो, है ना, जिसकी आवाज़ ज़्यादा हो पर मीनिंग बहुत कम हो, उसके लिए बॉम्बास्टिक शब्द जो है वो यूज़ होता है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्टली मैच होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ लाउड माउथड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 25, दैट इज़ पी ई एन यू आर आई ओ यू एस, दैट इज़ पेनोरियस या पेनोरियस। ठीक है जी, ये शब्द यूज़ होता है, वैसे ये होता है एक्सट्रीमली पुअर हो जो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पुअर हो, या फिर वो शख्स, उसके लिए हम इसको यूज़ कर देते हैं, जैसे जो अनविलिंग टू स्पेंड मनी, जो मनी खर्च ही नहीं करना चाहता है, जो बिल्कुल भी मनी खर्च नहीं करना चाहता है, अनविलिंग है बिल्कुल मनी खर्च करने के लिए, उसके लिए भी ये शब्द यूज़ हो जाता है। तो हमारे पास दिए गए ऑप्शंस में से जो मैच होगा इसके साथ वो होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ पुअर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगेन डायरेक्शंस हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 to 30 के लिए यहाँ पे, चूज़ द वर्ड आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी विच इज़ ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ भी आपको फोर फोर ऑप्शंस दिए गए हैं और एक वर्ड दिया गया है, पर यहाँ पे आपको इसमें क्या ढूंढना है, ऑपोजिट इन मीनिंग, जो इसका ऑपोजिट हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 है हमारे पास रीज़नेबल। तो रीज़नेबल, जैसे हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो हम वहाँ पे ये शब्द बड़ी बार यूज़ करते हैं कि प्राइस जो हैं वो रीज़नेबल नहीं हैं या रीज़नेबल है ना। तो रीज़नेबल होता है एक तरह से लॉजिकल कह लीजिए, या वाजिब, है ना, कि वाजिब दाम है ना, या फिर जायज़ कह दें, है ना, कि इतना ही बनता है, रीज़नेबल यही है। ठीक है, तो रीज़नेबल का यहाँ ऑपोजिट ढूंढना है आपको, तो इसका ऑपोजिट बनेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ इलॉजिकल। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टीमेट शब्द है हमारे पास अल्टीमेट। जैसे हम अल्टीमेट शब्द बहुत बार यूज़ करते हैं कि ये चीज़ तो अल्टीमेट हो गई है ना, तो अल्टीमेट का मीनिंग होता है फाइनल, है ना, बिल्कुल एंड में हम जिसको फाइनल कर दें, है ना, वो चीज़ होती है हमारे पास अल्टीमेट। तो अल्टीमेट का हमारे पास जो बिल्कुल करेक्ट ऑपोजिट है यहाँ पे, दैट इज़ ऑप्शन सी, इमीडिएट, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज़ एस यू एन डी आर वाई, इसका मतलब, इसको हम बोलते हैं सन्ड्री। तो सन्ड्री का मीनिंग होता है ऑफ वेरियस काइंड दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू बी नेम्ड सेपरेटली। मतलब कि इतनी वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी, मान लीजिए आप किसी शोरूम में गए हैं तो वहाँ पे सपोज़ कि जूतों की या कह लो कि शूज़ की इतनी वैरायटी है कि आप उनको नेम नहीं दे पा रहे हैं, या सपोज़ कि इतने कलर्स हैं कि आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तब हम यूज़ करते हैं सन्ड्री वर्ड। सन्ड्री का वैसे हिंदी में मीनिंग होता है विभिद, अलग अलग तरह का, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इतनी वैरायटी हो जाना, ठीक है, कि आपको उनके नाम अलग अलग देने के लिए भी, मतलब उनके नाम अलग अलग नहीं दिए जा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो सन्ड्री यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के उसके लिए यूज़ होगा, तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट ऑपोजिट है यहाँ पे वो हो गया फ्यू। सन्ड्री मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी होना, फ्यू मतलब कम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 29 नंबर, दैट इज़ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का वैसे मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, है ना, सिग्निफिकेंट शब्द हम यूज़ करते हैं किसके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट के लिए, है ना, या कह दीजिए कि लार्ज इनफ है जो टू बी नोटिस्ड, मतलब इतना बड़ा है कि उसको नोटिस किया जा सकता है, या इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको सब नोटिस करें, है ना, तो सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑपोजिट है इनएडिक्वेट। ठीक है, जो मतलब कि सही नहीं जा रहा है ना, जो किसी पैमाने पे खरा नहीं उतर रहा है, उसके लिए होता है इनएडिक्वेट। ठीक है जी, चलिए 30 नंबर है प्रोलोंग्ड। प्रोलोंग्ड शब्द जो है ये हम बहुत बार यूज़ भी करते हैं, जैसे
कि कोई मतलब कोई घटना है वो काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है ना, तो हम बोलते हैं बड़ी देर से यही, बड़े प्रोलॉन्ग्ड टाइम से यही चल रहा है ना। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबी अवधि से जो चल रहा है ना, उसके लिए प्रोलॉन्ग्ड यूज़ होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑपोजिट होगा शॉर्ट, है ना। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 से 35 अगेन डायरेक्शंस हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी डी। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन हैं, ये ईडियम्स से पूछे गए हैं, इसमें भी आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। तो हमारे पास जो 31 है, दैट इज़ टू लीड अप द गार्डन पाथ, टू लीड अप द गार्डन पाथ। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है कि टू डिसीव समवन बाय मेकिंग देम बिलीव समथिंग विच इज़ नॉट ट्रू। मतलब किसी को किसी तरह से मिसगाइड करना है ना, मिसलीड करना, मतलब उसको करेक्ट उसमें नहीं लेके जाना, उसको अलग अलग तरह के बातें बना के है ना हम मिसलीड कर रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं, तो ये ईडियम यूज़ होता है। तो इसका बिल्कुल जो राइट है यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा, टू मिसलीड। ठीक है जी, 32 आ गया। टू कम टू टर्म्स, टू कम टू टर्म्स का मतलब टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना है ना। तो जैसे हम किसी के साथ कोई डील करते हैं तो उसकी कोई भी टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, तो हमें वो माननी होती हैं, हमें माननी पड़ेंगी, है ना। टू कम टू टर्म्स मतलब कोई भी शर्तें हैं, कुछ भी है सिचुएशन, हम उसको एक्सेप्ट कर लें। तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, टू मेक एन अग्रीमेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ वर्ल, ये जो शब्द है यहाँ पे वर्ल, इसका वैसे मीनिंग होता है चक्कर खाना, है ना, या ऐसा कहिए कि किसी चीज़ के अराउंड ऐसे गोल गोल घूमना, है ना। वैसे इसका इन अ वर्ल का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। ठीक है, जो बिल्कुल कन्फ्यूजिंग स्टेट में है हम, है ना, हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तब हम बोलते हैं इन अ वर्ल, है ना। देन इसके लिए जो करेक्ट मीनिंग है यहाँ पे ऑप्शन डी जाएगा, दैट इज़ कन्फ्यूज़न। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ गया 34 नंबर। टू पिन वंस फेथ अपॉन, टू पिन वंस फेथ अपॉन, इसका मीनिंग होता है किसी के ऊपर, टू पुट जैसे बंस होप है, कोई ट्रस्ट है किसी का, किसी चीज़ के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा होप लगा रहा है उससे, तब हम ये यूज़ करते हैं टू पुट वंस फेथ अपॉन, अपना उसके ऊपर विश्वास रखना, अपनी होप रखना, है ना। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे बन जाएगा टू डिपेंड। तो जब हम किसी चीज़ के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर फेथ रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, तो एक तरह से हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ गया 35। अलास द डे, अलास द डे होता है अनहैप्पी डे, मतलब जो दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत अनहैप्पी था, उसके लिए यूज़ होता है अलास द डे। चलिए नेक्स्ट आ गया डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 36 to 40 इज़ चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनमें आपको दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट वाला ढूंढ के फिल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इट इज़ गुड आइडिया टू अग्री डैश बोस मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब ये अच्छा आइडिया है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम बॉस के साथ क्या करें, अग्री करें, तो अग्री विद बॉस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ गया 37, द होल सिटी वाज बर्निंग, ये अपने आप में ही कंप्लीट है, द होल सिटी वाज बर्निंग, पूरा शहर जो है वो जल रहा था। यहाँ पे कुछ भी पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन डी, नो प्रपोजिशन नीडेड। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 38 नंबर, इट इज़ टाइम फॉर यू टू डैश होम, इट इज़ टाइम, यहाँ पे इज़ ऑलरेडी लग चुका है, तो देखिए आप ऑप्शंस देखिए, आर गोइंग, हैड गोन, वर गोइंग, तो नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, क्योंकि इज़ ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो चुका है। ठीक है जी, तो बचा क्या हमारे पास, गो, इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो होम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट आ गया 39, इंडिया बिलीव्स इन टॉलरेंस नॉट डैश इन एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन, जो इंडिया है वो टॉलरेंस में बिलीव करता है,
आपका यहाँ पे आएगा वाइगोट्री। वाइगोट्री का मीनिंग होता है पक्षपात करना, या कह लो कि कट्टरता दिखाना किसी एक चीज़ को लेके। ऐसा इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 आपका, यू मस्ट डैश हार्ड वर्क इफ़ यू वांट अ प्रमोशन। यू मस्ट पुट इन हार्ड वर्क इफ़ यू वांट अ प्रमोशन, ठीक है जी। तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा अगर आपको प्रमोशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट जो आएगा पुट इन आएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास इस प्रैक्टिस सेट का इंग्लिश पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो आपको आपकी प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।